भी तोड़ा तो तूने सिलीके से नहीं तोड़ा, देव भाई की भी कुछ अदाब होते हैं। इल्जाम तो बताओ सुनील जाखड़ को। सो जाखड़ कहते ने कि दिल भी तोड़ा तूने सलीके से नहीं तोड़ा, बेबवाही के भी कुछ अदाब होते हैं। ये अदाब हाईकमांड नू समझ नहीं आए ज हाईकमांड के छेते नू क्यों नहीं समझ आए। सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि मैनू पंजाब भी होण ते पूरा माण है, मैं पंजाब तो हाँ, पर भविखबाणी करदिआं कहा कि पंजाब दे विच कांग्रेस के हुण पैर नहीं लग सकते, कांग्रेस मुख विरोधी धिर है ते कांग्रेस नू बचाउण दी लोड़ है। राहुल गांधी की शलाघा करदे कहा कि राहुल गांधी एक चंगे शख्स ने पर लोगों दलों जल्द आ जाते हैं। कमेटियां बनाई गई हैं, छह किस्म की कमेटियां हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी भारत की डिस्कस कर रही है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो, परंतु उससे भी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे, पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे। रेमिफिकेशन देखिए, आज नोटिस आया कुछ दिन पहले, मेरे को नोटिस देने के बाद में एक नोटिस नवजोत सिंह सिद्धू जी को भी दिया गया। मेरे बहुत से डिफरेंसेस हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी से, परंतु मैं इन प्रिंसिपल बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बातें आज के इस चिंतन शिविर में होनी चाहिए कि उनको किस बात के लिए नोटिस दिया गया कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने चरणजीत चन्नी के खिलाफ बोला, उनको नोटिस दिया गया। तो सब मेरा एक सवाल है, मैं माननीय बड़ी मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं अशोक गहलोत जी का, अशोक गहलोत जी आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या जो सुनील को नोटिस दिया गया है? आपकी सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू ने डिस्टेबलाइज कर रखा है क्या? सुनील जाखड़ ने पंजाब इंचार्ज रहे हरीश रावत भी निशाना साधिया, उन्होंने पंजाब का जिक्र किया, उन्होंने एक पैर पंजाब तो दूजा पैर देहरादून का जिक्र किया कि एक शख्स ने दो दो जिम्मेवारियां संभालियां, पर सवाल हरीश रावत से। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था इलेक्शन दिन तक। क्या क्या वो सोच लेके आए थे, क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया? क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? खुद तो उनकी जो दुर्दशा हुई है, मैं इसमें कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर हरीश राव जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है एकमात्र इन व्यक्ति का है। अभी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की बात हुई थी, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रकार से उसको इग्नोर कर दिया था, अब उन्होंने इस समय क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसको देखेंगे, मगर एक बात तथ्य है कि वो उपयोगी व्यक्ति थे, मगर पार्टी ने भी उनके उपयोग का सम्मान करते हुए उनको लीडर पोजीशन बनाया, उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया और उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। ही वॉज नेवर इग्नोर्ड बाई द पार्टी एंड विल नॉट बी इग्नोर्ड बाई द पार्टी, बट डिसीजन तो उनको। तो हम चर्चा में नैतिका सवालों की फहरिस्त का सिलसिले जारी रखेंगे। बिल्कुल वैद साहब, क्योंकि सुनील जाखड़ जिहड़े ने ओह ना सिर्फ अलविदा कह के गए ने बल्कि काफ़ी ज़्यादा नाराजगी जिहड़ी उन्हां वल्लों जाहिर की गई है, नाल ही बहुत सारे लीडर्स दे नां उन्हां ने लए ने। तुहानूं लगदा है कि एक कदम जिहड़ा पार्टी दा सीगा हाई कमांड दा सीगा ओह किते ना किते गलत हो गया कि सीएम बदलिया, पार्टी प्रधान बदलिया, उस तो बाद जिहड़ा बवाल है वह थमदा होया नज़र नहीं आ रहा। देखो नवजोत सिंह सिद्धू नूं पार्टी प्रधान बनाया गया, फिर हारन तो बाद उन्हां नूं कुर्सी तो उतार दिता गया, पहला सुनील जाखड़ नूं नोटिस भेजा गया ते हुण हाल ही दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी नोटिस जिहड़ा है ओह भेजा गया। तुहानूं लगता है कि जिहड़े सीनियर लीडर है एक तो बाद एक उन्हां नूं रुसा रही है थोड़ी हाईकमांड?
नहीं पर नीतिका तुसी एक चीज देखो कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नु नोटिस गया है जा सुनील जाखड़ जी नु नोटिस दिता गया सी जा कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नु चीफ मिनिस्टर ही तो रिजाइन करना पिया। मैं पहला भी तुहानू इह गल कह चुकिया ये साढ़े पंजाब दे लोग ने बड़े सियाने ने सुगड़ ने पढ़े लिखे लोग ने यह सब समझते ने। मैं कारण पूछना चाहना तुहाडे तो भी नीतिका कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नु रिजाइन करना पिया उहदे पिछे कैप्टन अमरिंदर सिंह आप जिम्मेवार सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की बरतौर जोड़ी कांग्रेस की प्रधानगी है वो भी सवालों के घेरे च है तुहाडे सामने ही घटनाक्रम वापरिया किसी तो कुछ लुकया हुआ नहीं। जाखड़ साहब दे दो बयान सानू थले बैठिया नूं ये लगता है कि वो उन्हां तो कोई ना कोई किसी ना किसी वजह करके कोई गलती हुई है। खैर मैं धन्यवादी हाँ सुनील जाखड़ जी का उन्होंने पब्लिकली इस गल ते माफ़ी भी मंगी चाहे वह चन्नी साहब के लिए बयान से चाहे वह हिंदुओं वास्ते बयान से। एक चीज़ मैं इतने तुम्हें कहना चाहना पंजाब दे विच जिहड़ी साडी सियासत है ये हिंदू सिख की पॉलिटिक्स ते नहीं चलती ते ना ही चलनी चाहिए है। पंजाब दे विच ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਅਨਾਊਂਸਿੰਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ उन्होंने ये गल कही सी कि सिख चेहरा जिहड़ा आ वो पंजाब दा चीफ मिनिस्टर होएगा। मैं इस गल ते तुहाडे चैनल ते इतराज़ कीता सी कि बिल्कुल केजरीवाल साहब नूं ये नहीं कहना चाहिदा सी कि सिख चेहरा होएगा। पंजाब दे विच हिंदू सिख ने जिहड़े वो एक ने किसी तरह की कोई फिरका प्रस्ती नहीं है। मैनूं तां बिल्कुल किते भी देखण विच नहीं आई असी सारे साडियां सारियां फैमिलीज़ एक दूजे दे नाल इंटरमिंगल है एक दूजे दे नाल रिश्तेदारियां ने। ठीक है सुनील जाखड़ जी ने गल कही है उन्होंने अंबिका सोनी जी का रेफरेंस भी दिता पर मैं नहीं समझता कि इहो जी गल पंजाब दे विच है। वैद साहब पर तुसी देखो ना जदों राहुल गांधी आउंदे ने उन्हां वल्लों भावें चरणजीत सिंह चन्नी नूं दुबारा तो सीएम चेहरा ऐलानिया गया पर एक वर्ड वो इस्तेमाल करके चले गए कि गरीब परिवार तो ने चरणजीत सिंह चन्नी। आम आदमी पार्टी वल्लों जदों भगवंत मान दे चेहरे दा नां दा ऐलान किया गया चेहरे दा ऐलान किया गया तां उन्हां वल्लों इह कहा गया कि एक आम परिवार नाल संबंध रखते ने। नाल ही तुसी देखो कि दलितां नूं लैके किन्नी राजनीति जिहड़ी है होई है हिंदुआं नूं लैके किन्नी राजनीति होई इह कहा गया कि क्यों नहीं सीएम चेहरा हिंदू हो सकता पंजाब दे विच क्यों कोई दलित हुण तक मुख्यमंत्री जिहड़ा है वह नहीं बन पाया क्यों अजिहे सवाल जिहड़े आ वह चुके गए। तो तुहानूं इह लगदा कि किते ना किते कांग्रेस ने जिहड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी नूं हमेशा सैक्यूलर पार्टी कहा जाता है तो यही गल जाखड़ साहब कह रहे हैं कि सैक्यूलर पार्टी दे विच इह गल कदों तों आण लगी। वड्डे जिहड़े सवाल ने उह सुनील जाखड़ ने भी उह खड़े कीते ने क्योंकि सुनील जाखड़ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਗਵਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀ ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। सुनील कुमार जाखड़ नूं भारतीय जनता पार्टी विच शामिल होने का सद्दा दिता गया। फतेह जंग सिंह बाजवा कहिंदे ने कि वड्डे ते सुलझे लीडर ने कांग्रेस विच धड़ेबाजी इस तरह प्रभावित हुई कि ना राजा वड़िंग का जिक्र किया तो सिद्धू ते भी गाज डिग सकती है। बाजवा कहिंदे ने उही गल होगी जिस तरह का असीं जिक्र कर रहे हैं कि नवजोत सिद्धू नूं इह गल नहीं भुलनी चाहिए अनुशासनी कमेटी की। बाजवा का मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ते भी गाज डिग सकती है। पार्टी हाई कमांड ने क्योंकि उन्होंने सीनियोरिटी लैवल बहुत है
उन्हां दा सीनियोरिटी लैवल बहुत है। जे सुनील कुमार जाखड़ आणगे ते उह सीनियर लीडरशिप दे थ्रू आणगे, तो इह सीनियर लीडरशिप ने वेखणा है। तो मैं समझना जे इक कोई चंगा लीडर किसे पार्टी दा जे कोई बीजेपी ज्वाइन करे ते साडी पार्टी वैलकम करेगी। नीतिका सवालों की फहरिस्त का सिलसिला तुसी मुड़ तो जारी रखो, क्योंकि सब तो अहम सवाल इत्थे है कि जाखड़ ने जिथे सियासी जिहड़ी रुखसत की कांग्रेस तो की है। बिल्कुल किशन, तुसी जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि सुनील जाखड़ नाल टेबल टॉक करके क्यों नहीं गल नूं सुलझाया गया, पर यह भी जरूर सही है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं खुद नूं नोटिस जिहड़ा है भेजा गया है। पर अंदाजी मुहम्मद मुस्तफा का भी हुण एक ट्वीट आया है, उन्होंने भी कहा ना सिर्फ सुनील जाखड़ का जिक्र किया बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू का भी जिक्र किया कि क्यों जी हाईकमांड इन्हों की वैल्यू जी नहीं समझ रही, क्यों चीफ पॉलिटिक्स जी की जा रही है। चापलूसा की गल जी है वह सुनील जाखड़ भी करते हुए नजर आए थे। कुलदीप वैद जी, जे गल की जाए कौन ने चापलूस जिसकी बार बार जिसका बार बार जिक्र जड़े हैं सुनील जाखड़ करते नजर आए ने, उन्होंने वालों कहा गया कि दिल्ली च कुछ अजिहे लीडर्स बैठे ने जिहड़े कांग्रेस नूं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क करता। नीतिका जी, नीतिका जी, अज असी ब्लेम गेम दे विच पै गए। मैं एक सवाल पूछना चाहना कि जो टिकटां दी वंड सीगी उहदे विच चन्नी साहब भी सी, हरीश चौधरी जी भी सी, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी भी सी। जो हशर होया वो तुहाडे सारयां दे सामने, उस तो बाद कंपेन स्टार्ट हुई। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साडे प्रधान सी, उन्होंने कोई पंजाब दे किसी कैंडीडेट वास्ते कंपेन नहीं किया, क्यों नहीं किया, करना चाहिए सी। गल्लां कह देनियां बहुत सौखियां हुंदियां ने, किसी दूजे ते ब्लेम ला देना बहुत सौखा हुंदा, लेकिन बंदा अपनी गिरेबान च झांक के नहीं वेखदा कि जिहड़ा अहुदा जिस बंदे नूं भी दिता गया कि उन्हें उन्हूं जस्टिफाई किया, कि उन्हें जो साडी हाई कमांड ने उहदे मोढ़ियां ते जो भार पाया गया सी कि उन्हें वह भार चक के उहदी जस्टिफिकेशन की नहीं की। एक गल्लां कह देनियां टैलीविजन दे उत्ते आके चंगी चंगी भाषा बोल देनी, चंगी चंगे लफ्ज़ वोट लैने, भारे भरकम लफ्ज़ बोल लैने, ये बड़े सौखे ने, लेकिन जदों तुहानूं जिम्मेवारी दित्ती गई सी उदों तुसीं जिम्मेवारी तो भज गए। क्यों ना हाईकमांड नोटिस देवे, क्यों ना हाईकमांड कोई फैसला लवे। कांग्रेस बहुत वड्डी जमात है, कांग्रेस जिस तरह की है इवें ही रहेगी। आने वाली चोणां दे विच पंजाब दे विच कांग्रेस की कारगुजारी बैटर होएगी, इहदे च कोई दो रावां नहीं है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਦ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੀਤਿਕਾ ਅਤੇ ਵੈਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਈਵ ਲਗਾਇਆ। ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜਾਖੜ ਖੁਦ ਬੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਕੱਟ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਦਿਲ ਵੀ ਤੋੜਾ ਤੋ ਤੂਨੇ ਸਲੀਕੇ ਸੇ ਨੇ ਤੋੜਾ, ਬੇਵਫਾਈ ਕੀ ਵੀ ਕੁਛ ਅਦਾਬ ਹੋਤੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋ ਬਤਾਓ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋ।